जय हिंद। मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। हम खड़े हैं सिंगरौली के NH 39 पर और हमारे पीछे कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सिंगरौली की जो सड़कें हैं अक्सर सवालों के कटघरे में खड़ी होती हुई मौजूद रहती है, क्योंकि सिंगरौली की सड़कें ही एक ऐसा मूलभूत कारण है, एक ऐसा विकास का विषय है जो अब तक नहीं हो पाया। सिंगरौली की सड़कों पर जहां आए दिन यहां पर दुर्घटनाएं होती हैं, साथ ही साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो काफ़ी नुकसान देखना पड़ता है। सिंगरौली की सड़कों पर यदि हम बात करें तो सिंगरौली की सड़कें आज भी उसी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं जिस तरीके से आज से कई वर्ष पहले थीं। सिंगरौली की सड़कों पर यदि हम बात करें तो ऐसी कई कठिनाइयों का सामना आए दिन लोगों को करना पड़ता है, जिसके विषय में अभी तक देश की सरकार नहीं सोच पा रही। तो इन्हीं कुछ विषय, इन्हीं कुछ संदर्भ के साथ हम जुड़ेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ में और जानेंगे कि आज जो ये विरोध प्रदर्शन ये कर रहे हैं, क्या कुछ बातें और क्या कुछ भावनाएं इनके आज ये मन मस्तिष्क में है। अभी 15 दिन पहले गोरबी में माननीय सांसद महोदया से वहाँ के लोगों ने पूछा ये सड़क कब बन जाएगी। उन्होंने पूछा वहाँ के ग्रामीणों ने, पब्लिक ने और वहाँ माताएं बहनों ने कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो खर्चा है उसको बढ़ाया जाए, सड़क को बनाया जाए, तो हुआ उसके खिलाफ क्या मुकदमा हुआ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अगर आप कोई भी बात करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा हो रहा है। ये बात आपको बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपने वोट उनको दिया है भाई। हम जुड़ते हैं सीधा आज यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और जो कि एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हम जुड़ना चाहेंगे। सर, आज का मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पर आप सब लोग एकत्रित हुए हैं? देखिए, नेशनल हाईवे की जो सड़क की दुर्दशा है उसको हम लोग नितिन गडकरी तक पहुँचाना चाहते हैं। चूँकि अब पहले तो पहुंचाने का उद्देश्य क्या होता है कि विधायक तक पहुंचाओ, विधायक के बाद सांसद तक पहुंचाओ, तो सांसद जी की ये स्थिति है कि गोरबी में उन्होंने जिन्होंने उनको बात पहुंचाई उनको जेल भेजने का काम कर रही हैं। अब उम्मीद सिर्फ एक व्यक्ति पे है, नितिन गडकरी। चूंकि मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में उन्होंने जिस तरह से अपना बोलबाला बनाया है कि हमने सड़क बहुत बिछा दी, जिस तरह से 18 वर्षों से हम लोग यहाँ परेशान हैं, यहाँ का DMF का पैसा दिल्ली और भोपाल जा रहा है, अगर वो हमारा ही पैसा हमें दे दें तो ये रोड बन जाए। तो ये बात उन तक पहुँचानी है कि उनके कान जो बंद हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद इसलिए सवाल नहीं पूछ सकते कि अगर वो सवाल पूछ देंगे तो उनका टिकट कट जाएगा। हम लोगों को ये डर नहीं पड़ा है, अगर हमारी भी सरकार आएगी, हमारी सरकार में भी कुछ चीज़ गलत होगी तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उसको काम को रोकें और सही काम कराएं। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जगाने के लिए हम लोग आए हैं कि जग जाओ, नहीं तो अगले साल बर्बाद चुनाव होगा। आपने एक चुनाव देखा 6 महीने पहले, महापौर का चुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट नहीं दिया, दूसरी पार्टी को जिता दिया। वही स्थिति है कि अगर आप अभी भी नहीं चेत रहे, हम लोग उनको चेताने का, उनको जगाने का काम कर रहे हैं। और जनता के बीच आप देख रहे हैं पूरी गाड़ियां जिस तरह से निकल रही हैं, धूल उड़ रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है, कहीं पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है, लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं। मैं तो कहता हूँ सिंगरौली में जो भी हॉस्पिटल हैं उनका मेडिसिन का खर्चा उनको नहीं लगना चाहिए, रोड का टैक्स माफ होना चाहिए। जब रोड ही नहीं है तो किस बात का टैक्स? अगर हमारा स्वास्थ्य आपके पॉल्यूशन से ख़राब हो रहा है तो इसका पेमेंट भी NCL और NTPC को देना चाहिए, मगर कहीं कुछ हो नहीं रहा है। इस बात को हम लोग नितिन गडकरी तक बताने आए हैं सांकेतिक रूप से कि अगर इस बात को अगर आपने सही समय में ठीक नहीं किया, निदान नहीं किया, तो हम लोग इसकी बात भोपाल की विधानसभा से लेकर सांसद तक उठवाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। क्या लगता है जो ये प्रयास हो रहा है, अक्सर ऐसा प्रयास होता रहे, आज कुछ जो जैसा कि सर ने भी कहा कि इस सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाने की ये कोशिश की जा रही है, क्या लगता है ये बात कानों तक पहुंच पाई? भाई देखिए, क्या है कि हम लोग जनता के प्रतिनिधि बनकर प्रयास करते रहते हैं कि जनता की आवाज़, जहां जनता अपनी बातों को नहीं बोल पाती है, हम लोग हमेशा माध्यम बन के प्रयास करते रहते हैं। आप इसके पहले भी देखे होंगे, इन्हीं सड़कों पे हमने अपना 2-2 जन्मदिन भी मनाया और इन्हीं सड़कों पे हम लोगों ने कई बार सांकेतिक धरना करके 20 सड़क पर जो है धान भी बोया और 20 सड़क पर हम लोगों ने राष्ट्र ध्वज के सम्मान में जो है 26 जनवरी और 15 अगस्त भी मनाया। इसके बावजूद अगर ये बेशरम सरकार बातों को नहीं समझ रही है, जनता की समस्याओं को नहीं समझ रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसके बाद एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। और उस आंदोलन की रूपरेखा हम जल्दी ही बना रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि जनवरी तक हम एक बड़ा आंदोलन करें और जनता को सड़क की बात सड़क पे करने के लिए जनता और नेता को आमने सामने बैठाने का प्रयास करें, हमारा यही प्रयास रहेगा। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे आज के विषय में? आज हम लोग जो पॉल्यूशन का मार झेल रहे हैं, प्रदूषण सिंगरौली में इतना ज़्यादा व्याप्त हो चुका है कि हम लोग के फेफड़े जो है सिगरेट के धुएं से नहीं, पॉल्यूशन से हो चुके हैं ख़राब, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि 18 वर्षों से
आज हमारी सड़क नहीं बन पाई। सांसद महोदया बोलती है कि 4 लाइन के जगह 6 लाइन बनाएंगे। अरे आप 4 लाइन बना के तो पहले देख लो, हैं? और अगर उनसे सवाल कर दिया जाए तो वो मुकदमा करवा देती हैं। तो किससे सवाल पूछा जाए? लोकसभा क्षेत्र की सांसद अगर दिल्ली तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचाएंगी तो कौन पहुंचाएगा? विधानसभा तक विधायक नहीं पहुंचाएगा तो कौन पहुंचाएगा? तो ये स्थिति सड़क का है कि हमारे जो मेन रोड के दुकानदार हैं ये 24 घंटे के अंदर हमारा अपने दुकानों को हटाकर खाली कर दिए कि रोड बनेगा, और आज 18 वर्ष से रोड नहीं बन पाया। हम लोग सड़क पे उतरेंगे, इससे बहुत ज़्यादा पैमाने पे हम लोग आक्रोशिक ढंग से सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।